मंटोल स्कूल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमरावती से एक ऐसे शख्स जो आईएएस के फील्ड में एक काम कर रहे हैं और हजारों जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गाइड कर रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप ये बताइए कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम प्राध्यापक डॉक्टर नरेश चंद्र काठोड़े है। मैं जो बच्चे कलेक्टर बनते हैं उनको पढ़ाता हूँ, तीसरी क्लास से पढ़ाता हूँ। हमने तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं ये बच्चों के लिए आईएएस की किताबें बनाई हैं और इसकी फीस हमने एक रुपया रखी है सिर्फ, कि कोई गरीब से गरीब बच्चा यदि शुरू से आईएएस की तैयारी करता है वो नहीं कलेक्टर बनेगा, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, तहसीलदार बनेगा, नायब तहसील बनेगा, कोई ना कोई पोस्ट हासिल करेगा। तो हमारे महाराष्ट्र में टोटल 11 सेंटर्स है और हम बच्चों से पैसे इसलिए नहीं लेते कि हम बहुत बड़े पोस्ट पर अभी काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा बहुत है और एक अच्छा काम करना चाहिए। मैं सब हम ये इंटरव्यू सुनने वालों को ये करूंगा कि कोई भी काम सफल हो सकता है, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक तो पत्थर तबीयत से उछालो यारो। मेरे इस मिशन में 173 आईएएस आईपीएस अफसर सहभागी है और अभी जो रिजल्ट आया है उसमें हमारे दो स्टूडेंट आईएएस की मेंस परीक्षा पास हो गए हैं। कितने स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया? अभी तक कम से कम एक लाख से ऊपर बच्चों को गाइडेंस किया। हमारे यहाँ कोई कोचिंग नहीं है, हम बच्चों को लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, अभ्यासिका प्रोवाइड करते हैं और उनके गाइडेंस के लिए जैसे यहाँ पर खलीद साहब आए वैसे महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, कलेक्टर, सेक्रेटरी ये लोग हमारे सेंटर्स पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। कहाँ सेंटर कहाँ है? सेंटर्स हमारा अमरावती में 3 सेंटर चल रहे हैं, नागपुर में है, औरंगाबाद में, नवी मुंबई में, परली बैजनाथ में है, वनी में है और अभी नया सेंटर हमें पुसद में खोला है। और ये सेंटर खोलने के लिए किसने 2.5 करोड़, किसने 1 करोड़, किसने 50 लाख, ऐसी बड़ी तादाद में लोगों ने मदद की है और वो जो सेंटर्स है वो सेंटर हम सिर्फ उनको गाइडेंस करते हैं, बाकी 50 रुपये महीना, 100 रुपये महीना ऐसे वहाँ पर फीस रहती है। देशवासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि इस देश की जो प्रगति करना है, समाज में यदि अच्छे अवसर पैदा होते हैं, अच्छे अवसर आते हैं, तो आमतौर पर कोई राजनीतिज्ञ देश का विकास नहीं करता, वो जो देश का विकास आईएएस अफसर ही करता है। यदि समाज में अच्छा आईएएस अफसर भारतवर्ष में हो जाए तो वो अपने मुल्क के लिए एक अच्छा तोहफा रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं वंटोल स्कूप, किसी खास शख्सियत के साथ आपके सामने आ जाएंगे। धन्यवाद।